पटना हाईकोर्ट में जाली स्टाम्प का रैकेट सामने आया है। आरोपितों ने जाली स्टाम्प के जरिए ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मामले में हाईकोर्ट के चार एडवोकेट क्लर्क पर कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने केस दर्ज कराया है। तो जाली स्टाम्प का मामला सामने आया है पटना हाईकोर्ट में, जहां जाली स्टाम्प का रैकेट सामने आया है। आरोपितों ने जाली स्टाम्प के जरिए ही कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मामले में हाईकोर्ट में चार एडवोकेट क्लर्क पर कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने केस दर्ज कराया है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जाली स्टाम्प का रैकेट सामने आया है, किस तरीके से कह सकते हैं कि इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, लगातार जो हाईकोर्ट में एक टीम बनी हुई है, लगातार जांच होती रहती है। इसी में एक केस के संदर्भ में जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें जो स्टाम्प यूज किया गया था वो जाली था। उसके बाद उसकी जांच की गई, जांच के बाद पता चला कि कौन कौन से लोग शामिल है। तो एडवोकेट का जो क्लर्क होता है उसे एडमिनिस्ट्री कर सकते हैं, वो सरकारी नहीं होता था, वो प्राइवेट होता है। चार लोगों का नाम सामने आया है, जिन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के द्वारा। कई आईपीसी धाराओं में मामला दर्ज है, जिसमें 420 का भी एक आईपीसी धारा लगा है। कल लगभग देर शाम में मामला दर्ज हुआ, पुलिस पूरे मामले में एक टीम का गठन कर दिया है। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई, चूंकि नया न्यायालय से जुड़ा मामला, इसलिए पुलिस के कोई अधिकारी कोई ज्यादा नहीं बता पा रहे, लेकिन पुष्टि इस बात की उन्होंने की मामला एक दर्ज हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा। अब किस तरीके से जाली स्टाम्प आया, कहां से आया, किसने रखे दिया, ये जांच होगी और संभवतः जो लोग इसमें शामिल है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।